إياك نعبد وإياك نستعين. आप लोग देख रहे हैं अदनान समी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल, और आज हम बात करेंगे इकरार हसन के बारे में, जो उसके साथ ज़्यादती हुई है, कि बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है। क्या उसके साथ ये होना चाहिए था? एक इंसान अपने मुल्क, अपने लोगों, अपने सारे अवाम के बारे में वो सोच रहा है, इसलिए तो उसने ये प्रोग्राम जो वो कर रहे हैं वो तो इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में अमन आए, सकून आए, और ऐसे जाली लोगों से हम बचे। जाली पीरों से वो बचाता है। अगर हम बात करेंगे तो मिलावट और जो दो नंबर के काम होते हैं, रिश्वत हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसके बारे में वो काम करता है। वो तो आप लोग सब दुनिया देखती है, उसका प्रोग्राम दुनिया में मशहूर है वो, कि बहुत अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन ये जो उस रिजवान शाह, क्या मनहूसा शख्स है जिसने उसके साथ किया है, इतनी बकसलूबी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इकरार हसन सबको पता है कि वो एक शरीफ आदमी है और वो बहुत अच्छे काम करते हैं। उसने मुल्क के लिए, मुल्क के पाकिस्तान के लिए क्या क्या नहीं किया है। लेकिन हमारे बदकिस्मती यही है कि हुक्मरान जाके बैठते हैं कुर्सी पे और फिर खबर ही नहीं लेते कि कौन अच्छा है कौन नहीं। अच्छा जी, उस्मान बुज़दार साहब, आपको तो बहुत अच्छी तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सपोर्ट कर रहा है कि अच्छे काम कर रहे हैं, तो अभी देखते हैं आपका अच्छाई। सस्पेंड होने से इमरान खान साहब कुछ नहीं होता, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि दूसरी सबक सीखे। अगर कोई दूसरा सबक नहीं सीखेगा फिर कोई ये कर लेगा, किसी और के साथ कर लेगा। ये तो इकरार हसन के साथ हुआ है। चलो, उसने ऑनर दिखा दिया है सबको, लेकिन जो और पाकिस्तानी है उन लोगों के साथ कितने लोग होंगे जो बदसलूकी किए हो, उसके कपड़े उतारे होंगे, उसके माँ बाप की गालियाँ दी होंगी। क्या वो लोगों का कौन जो है ना, कौन हिसाब देगा उन लोगों को, कौन इंसाफ दिलाएगा? इकरार हसन तो आप लोगों ने एक्शन ले ली, जितने और लोगों के साथ ये हुआ है उनका क्या होगा? मसला ये है, हमें इसको हल करना चाहिए, और ऐसे बेगैरत और बेशरम लोगों को सबके सामने लाके रखना चाहिए, और उस रिजवान शाह को स्क्रीन पे लाके दिखाना चाहिए कि उसके घर वाले, उसके बच्चे और उसके खानदान उस मनहूस शख्स के चेहरे से वो नकाब हटा के देख ले कि हमारे मुल्क में ऐसी बेड़ियाँ हैं कि हमारे मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं, और हमारे बहुत से हसास इदारों की भी नाम बदनाम कर